हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी हेजमेंट। मैं हूँ सीमा, आप लोग के साथ मैं आज में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सस्ता और बहुत ही बेहतरीन सा एक टोनर। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि दीदी बालों की लेंथ जो है ना, बाल थिकनेस हो रही है। अबे भाई, थिकनेस हो रही है। देखो यार, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड मैं बात करती हूँ आप लोगों के साथ में। अगर मेरी कोई लैंग्वेज आप लोगों को गंदी लगे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ में जो शेयर करती हूँ अपनी खुद की एक्सपीरियंस चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ठीक है, यूज़ किए बिना कोई भी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि दीदी बालों की थिकनेस तो हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैपिंग बनती है कि अगर बालों की थिकनेस हो रही है आपकी, तो जाहिर सी बात है कि आपके बाल लंबे हो रहे हैं, वो जड़ से निकल रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो रही है। अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भाई एक जगह बालों की ग्रोथ आकर के रुक गई, लाइक आपके बाल शोल्डर तक हैं तो वो शोल्डर से नीचे ही नहीं जा रहे हैं, तो क्या करें। तो आज फाइनली मैं आप लोग का इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, मैंने अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुका था, बट फाइनली अभी कुछ टाइम में हमारे पास स्टॉक आ जाएगा फिर से। मींस कि जो कंटेनर्स हम आपको दे रहे थे, जिसमें हम अपने ऑयल पैक और सीरम करके आप लोग को दे रहे थे, पैक करके वो सीरम फिर से हमने वो कंटेनर्स ऑर्डर दे दिए हैं, तो कुछ टाइम में फिर से स्टॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास में 10 स्टॉक हैं, जिनको ऑर्डर करना है वो ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, अब जिनको लगता है कि बिजनेस है तो हाँ जी, ये बिजनेस ही है। ठीक है, बिजनेस ऐसा है कि अगर आप एक बार इसमें पैसा लगा रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये पैसा आप लगा रहे हो तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो जिनको अच्छा लगता है, जिनको नीड है कि हेयर फॉल हो रहे हैं, आप बाद में परेशान ना हो, ठीक है, तो आप इस चीज को परचेज करें, हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद से आप इसको यूज करें, जिसके रिजल्ट्स है आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ जी दीदी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखो, आप अपने बालों में हेयर ऑयल यूज करते हो, फ्री में नहीं आता ना, क्लिनिक प्लस का लेने जाते हो या फिर आप घर में सब्जी लेकर आते हो, वो भी पैसे से आता है। तो क्या सब्जी वाला भी बिजनेस कर रहा है? बिजनेस कर रहा है ना, तो सभी लोग बिजनेस करने आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग के यहाँ पर चैनल पर ये बातें करने आई हूँ कि आज मैं जो टोनर शेयर कर रही हूँ वो आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, मीन्स की लेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, कितने महीने में? एक महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन वाले रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, डैंड्रफ की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, आपके बालों में अगर ड्राइनेस है, सॉफ्टनेस नहीं है, वो आ जाएगी। चौथी चीज, अगर आपके बालों में लाइट नहीं है, आपके बाल शाइनी नहीं है, तो वो होना शुरू हो जाएंगे। बनाना कितने रुपए के है? अगर आप चाहें तो इसको आप 200 रुपए में बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको 500 रुपए में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको 10 रुपए में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के साथ में जो शेयर कर रही हूँ, ये ऑरेंज हेयर टोनर है। ऑरेंज का जो छिलका होता है उसका हेयर टोनर है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा ही करेगा, साथ में आपके बालों में एक चमक लेकर आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस टोनर को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं मिलती हूँ। ठीक है, सो गाइज, इस ऑरेंज टोनर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आपका 2 ग्लास पानी लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोहे की कढ़ाई का या फिर आयरन बाउल का यूज़ करेंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें जैसे बनाई जाती हैं वैसे ही बनाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद से मैंने यहाँ पर 2 ऑरेंज लिया हुआ है, उसके जो छिलके थे उनको छील लिया है। छीलने के बाद से इनको धोकर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद से अब क्या करेंगे, जो डस्टिंग है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए, धूप में नहीं सुखाना है, पानी खत्म हो जाए। उसके पास से आप इसको एक डब्बे में भर कर रख दीजिए, जैसे ही ऑरेंज का सीजन खत्म हो जाए तो आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको मैंने बताया हुआ था, तो उनके जो बाल हैं 1 महीने में 3 से 4 इंच बाल लंबे हुए हैं। ठीक है, बट उनका एकदम से नहीं हुआ है, उन्होंने हमारे पास कम से कम 3 से 4 महीने काम किया है, तभी फ़र्क पड़ा है। तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि गाइज, आप मुझे अपना 3 महीना एटलीस्ट दें। क्योंकि देखो, अगर आप लोग बाहर में जाकर पैसे इतने खर्च करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आउटपुट नहीं मिलता, तो आप अपनी स्कैल्प को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप 3 महीने मुझे एक बार देकर देखिए, एक बार विश्वास तो करके देखिए। तो अगर आपको लगता है तो आप चैनल से देखकर कोई भी सीरीज स्टार्ट कर ले 3 महीने के लिए, और आप चाहें तो मेंबरशिप ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 आपके ऑरेंज के जो छिलके हैं उनको निकाल कर अच्छी तरीके से धोकर सुखाकर और फिर डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम बॉईल कर लेंगे। ठीक है, बॉईल करने के बाद इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद से जो इसका छिलका है, इसके छिलके का आप बहुत सारे चीज़ें में यूज़ कर सकते हैं, जिसके वीडियो मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर जो हमारा टोनर है ये बनकर रेडी हो चुका है। इसको ठंडा होने के बाद हमें इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ये एक एसेंशियल ऑयल की तरह ही काम करेगा। तो इसको यूज़ करें ठंडा करके, ठीक है ना, एज अ टोनर।
सो गाइस, देखा आपने जो हमारा टोनर है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है? इसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वे में आपको टोनर लेना है और अपने बालों पे अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ। सो गाइस, जो हमने टोनर बनाया था उसका आप लोगों को बनाने का तरीका हमने बता दिया। उसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में, लाइक जैसे मैंने इसमें रखा हुआ स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दीदी आप स्प्रे बॉटल कौन सा यूज़ करती हैं, तो गाइस मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है, आप अमेजोन से ले सकते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप बिजनेस करती हैं, अगर मैं बिजनेस करती ना गाइस, तो मैं आप लोगों को हर एक छोटी छोटी चीज़ों का लिंक देती जिससे कि मेरा भी पैसा बनता और मुझे भी फ़ायदा होता, ठीक है। बट मैं सब चीज़ें नहीं करती क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना फेम कमाना चाहती हूँ, आप लोग के साथ में रहना चाहती हूँ। आप लोग को जब रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं आप लोग खुशी से खुश होकर बोलते हो कि दीदी मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए आपकी वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोनर को मैंने स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। इस टोनर को लगातार आप एक महीने के लिए यूज़ कीजिए। सर्दियों में ना तो एक बाल निकलेगा ना डैंड्रफ होगी, और जिनकी स्कैल्प ऑयली है, कोई भी चीज़ नहीं जाती है ऑयल आपके बाल में, जैसे बाल होते हैं ना बहुत सारे लोगों की स्कैल्प ऑयली हो जाती है, तो कोई भी एप्लीकेशन करते तो वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होते हैं। तो इस टोनर को अगर आप लगातार लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको इस तरीके से करना है। कृष्णा मुझे परेशान कर रहा था तो मैं उसको चिल्ला रही थी, उसको डांट रही थी। तो यहाँ पर आपको एक दिन में दो बार लगा लें, एक दिन में तीन बार लगा लें, जितनी आप केयर करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट है। जहाँ आपके बाल निकल गए हैं, झड़ चुके हैं, आपके बालों की ग्रोथ कम है, वहाँ पर आप कंघी करें, इन्वर्जन मेथड करें और उसके बाद इस टोनर का अप्लाई करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बालों में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जहाँ से बाल उड़ गए हैं वहाँ आना शुरू हो जाएंगे। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग वर्किंग है, वो यहाँ पर टोनर में जब भी यूज़ करते हैं तो वो ओवरनाइट लगा लें और सुबह में वॉश कर दें, ठीक है, केवल पानी से। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं इसके। तो चलिए फेस टू फेस बात करते हैं। सो गाइज, आपने एप्लीकेशन देख लिया, इसी तरीके से आपको इस टोनर को बनाना है और अपने ऑयली हेयर पर, वेट हेयर पर अप्लाई करना है। जब आप इस टोनर को अप्लाई करते हो 15 दिन में आप देखेंगे कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो 1.5 इंच नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 1 से 1.5 इंच के करीब आपके बालों की जो लेंथ है एक महीने के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। बट क्या होता है, देखो अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों की जो लेंथ है एक महीने में 3 से 4 इंच हो जाएगी, ठीक है, अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज करो, इन्वर्जन मेथड करो, हेयर केयर प्रॉपर करो। बट अगर कोई बंदा नया है और वो इन सब चीज़ों को यूज़ करता है तो उनके स्कैल्प को रिपेयर होने में, इन सब चीज़ों को सूट होने में टाइम लगता है, तो इसलिए उनके बालों की जो ग्रोथ होगी वो 1 इंच हो जाएगी आराम से। तो आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो तो जितनी भी रेमेडीज मैंने आज तक चैनल पर शेयर करी हैं आप लोग ट्राई करना शुरू करिए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं संडे में, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए विदाउट मेंबरशिप, विदाउट आपके कोई भी प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ले। बट अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 3 महीने की मेंबरशिप जरूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए अगर आप 3 महीने की मेंबरशिप ज्वाइन करते तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप लोग को जो चीज़ें बताई जाती हैं गाइज सच में बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा, आप एक बार करके देखिए। दूसरी चीज़, मैं आंसर इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, प्रोडक्ट बनाना, पैकेजिंग करना, डिलीवरी करवाना, कृष्णा की स्टडी, वीडियो शूट करना, मेंबर से बात करना, उनकी रूटीन प्रिपेयर करना, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और अभी मैं बेबी के साथ में हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम्स को, तो ये प्रॉब्लम मेरी है, आप लोग फैमिली मेरी हो इसलिए मैंने आप लोग के साथ में ये डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों के कहने पर यहाँ पर सेंड कर दी है, इस टोनर को बनाइए, यूज़ करिए और फीडबैक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, इससे दूसरों लोगों की हेल्प होती है, ठीक है, बाय।